हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैलियन एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। तो आज की हम क्लास में एसएपी की थर्ड क्लास है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट। इससे पहले की क्लास में जो हमने पढ़ा है वो डिफाइन कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी कोड, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, बिजनेस एरिया, एंड सेकंड जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इन वीडियो को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक दे दूंगा। तो डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिस्कल ईयर होता क्या है? फिस्कल ईयर बेसिकली अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमें अपनी एसएपी में डिफाइन करना होता है। तो अकाउंटिंग जो ईयर होता है हमारा नॉर्मल इंडिया में वो होता है अप्रैल टू मार्च, जिसमें हम रेगुलर पोस्टिंग करते हैं। एसएपी में कुछ स्पेशल पीरियड्स भी होते हैं, जैसे 4 स्पेशल पीरियड हैं। इसमें ये अकाउंट फाइनलाइज के यूज़ में आते हैं, जब हम अकाउंट को फाइनेंशियल क्लोज करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन स्पेशल पीरियड्स को। ठीक है, नॉर्मल जो एंट्री करोगे वो आप इन पीरियड में करोगे। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सैप हमें देता है, जिस बाय डिफ़ॉल्ट जो सैप में इनबिल्ड है वो है V3 फॉर अप्रैल टू मार्च एंड K4 फॉर जन टू दिसंबर। तो हम SAP में इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। तो SAP में आते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे SPRO कमांड में, SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स एंड फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स। तो यहाँ पर हम पहले मेंटेन फिस्कल ईयर करेंगे। तो फिस्कल ईयर हमारा ये स्क्रीन है। अगर आपको ये देखिए, ये जो नॉर्मल हमारे V3 K4 ये प्री डिफाइन होते हैं, जो इसमें बने हुए होते हैं अप्रैल टू मार्च, और आपको अपना नया क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ V3 में क्या क्या है। इस पर क्लिक करके हम पीरियड पे क्लिक करेंगे तो देखिए 12 पीरियड डिफाइन है यहाँ पर, 1 से लेकर 12 तक, पर्टिकुलर डेज गिवन है। अब हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है 4 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो पहला ही पीरियड हो गया। उसके बाद मई 5वां, तो ये दूसरा हो गया। तो इस तरह से ही, और यहाँ पर आ जाता है जनवरी एंड फरवरी मार्च, तो -1, यहाँ 0 है, यहाँ -1, बिकॉज जैसे हमारा फाइन सपोज 19-20 है, तो बी जो ये 3 महीने हैं वो 20 में आएंगे, तो इसलिए इन्हें -1 करके हमने शिफ्ट कर लिया अपने 19 वाले पीरियड में। तो ये हमारा पीरियड इस तरह से डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे असाइन करते हैं अपनी कंपनी कोड से। तो असाइन कंपनी कोड इसके नीचे ही है, तो हम अपना पोजीशन पे क्लिक करके अपना कंपनी का कोड डालते हैं। हमारा कोड था BRPL, तो BRPL आ गया। BRPL में मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है V3, तो बस आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए V3 और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये V3 आपकी कंपनी से असाइन हो गया अप्रैल टू मार्च एंड 4 स्पेशल पीरियड, और यहाँ इसे सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। इसका एक शॉर्टकट है टिकोड। टिकोड क्या है इसका? डिफाइन करने का OB29 एंड असाइन करने का है OB37। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड एंड डिफाइन ओपन एंड क्लोज पीरियड। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।